हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीर और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्निक्स। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि DBX234XS क्रॉसओवर को किस तरह से फोर वे मोनो मोड में चलाते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस क्रॉसओवर का फोर वे मोड कनेक्शन करने वाले हैं। इससे पहले आप जान लीजिए आपका जो फ्रिक्वेंसी का जो रिस्पॉन्स है वो होता है लो फ्रिक्वेंसी, मिड फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी। तो इसमें आपका उसको चार भाग में डिवाइड किया गया है, जैसे कि लो फ्रिक्वेंसी, लो मिड फ्रिक्वेंसी और हाई मिड फ्रिक्वेंसी और आपका हाई फ्रिक्वेंसी। तो इस तरह से आपको चार भाग में इसको डिवाइड करके चलाना है। तो पहले जान लीजिए, आपने अगर अपना लो फ्रिक्वेंसी को 140 हर्ट्ज तक या फिर उससे नीचे भी रखा हुआ है तो वो वहाँ तक रिस्पॉन्स करेगा, और आपका लो मिड के लिए वो वहाँ से ही रिस्पॉन्स करना स्टार्ट करेगा। मतलब आपने अगर 140 तक रखा हुआ है तो वो 140 से स्टार्ट करेगा, और आपका जो लो मिड का जो फ्रिक्वेंसी नॉब होता है अगर उसको आपने 700 हर्ट्ज तक सेट किया हुआ है तो वो 140 हर्ट्ज से लेके 700 हर्ट्ज तक रिस्पॉन्स करेगा। अब आपका हाई मिड फ्रिक्वेंसी, हाई मिड फ्रिक्वेंसी में जो नॉब दिया गया है उसको आप अगर 5 किलो हर्ट्ज तक सेट करते हैं तो वो लो मिड फ्रिक्वेंसी का जो नॉब है जिसको आपने 700 हर्ट्ज तक सेट किया हुआ है तो वो हाई मिड के लिए 700 हर्ट्ज से शुरू करके आपका 5 किलो हर्ट्ज या फिर 6 किलो हर्ट्ज जहाँ तक आपने सेटिंग किया है वहाँ तक वो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स करेगा। और आपका हाई फ्रिक्वेंसी के लिए आपने जहाँ तक हाई मिड को सेटिंग किया हुआ है, मतलब अगर आपने 5 किलो हर्ट्ज या फिर 6 किलो हर्ट्ज तक सेटिंग किया है तो वो वहाँ से हाईएस्ट लेवल तक जहाँ तक आपका सॉन्ग में फ्रिक्वेंसीज होंगी तो उस तरह का वो रिस्पॉन्स करेगा। तो चलिए इसका कनेक्शन कैसे होता है वो देख लेते हैं और कैसे चलाते हैं उस बारे में हम देख लेते हैं, और हम इसका टेस्टिंग भी करने वाले हैं अलग अलग स्पीकर के साथ और एक साथ भी उसको टेस्टिंग करने वाले हैं। टेस्टिंग के टाइम में आप हेडफोन्स यूज कीजिए, उससे आपको बेटर एक्सपीरियंस सुनने को मिल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसको फोर वे मोनो मोड में चलाने के लिए आपको चाहिए होगा मिक्सर से आपने जो आउट लिया हुआ है एक ही चैनल का, उसको आपको क्रॉसओवर के चैनल वन में इनपुट कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे लो काम करेगा और लो मिड काम करेगा और ये जो हाई से ये काम नहीं करेगा, और यहाँ पे ये जो हाई मिड है ये काम करेगा और हाईज काम करेगा। ये चारों वे हो गए जो कि इस सेटिंग में चलने वाले हैं। तो मैंने लो के लिए एम्पलीफायर का चैनल वन के साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, और लो मिड के लिए चैनल टू यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने वो वाला इनपुट कर दिया, और यहाँ पे हाई मिड के लिए एम्पलीफायर का चैनल वन का इनपुट, और यहाँ पे चैनल टू जो कि एम्पलीफायर का यहाँ पे हाइज के लिए मैं लगा रहा हूँ। दोस्तों, इस क्रॉसओवर में फोर वे मोनो मोड चलाने के लिए मैं दो एम्पलीफायर्स यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें चैनल वन में मैंने लो डाला हुआ है जो कि ये वाला स्पीकर के साथ कनेक्टेड है, और लो मिड के लिए मैंने चैनल टू यूज़ किया है वो इस स्पीकर के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे हाई मिड के लिए मैंने दूसरा एम्पलीफायर का चैनल वन यूज़ किया है जो कि ये वाला स्पीकर के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे जो ट्विटर हाइज के लिए मैंने एम्पलीफायर का चैनल टू यूज़ किया हुआ है जो कि इस HF के साथ कनेक्टेड है। ये सारे ऑडियो टोन्स के स्पीकर और HF है जिनको आज हम टेस्ट करने वाले हैं। तो इस क्रॉसओवर में अगर आपको फोर वे मोनो मोड में चलाना है तो यहाँ पे आपका चार रास्ते हैं जहाँ से ये आउटपुट होने वाले हैं, पहले लो, लो मिड, हाई मिड और हाइज। तो लो का अगर आप आउटपुट करना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर आपने इस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी का जो नॉब है अगर इसको अपने 140 तक रखा हुआ है तो ये लो आउटपुट में 140 हर्ट्ज तक ही रिस्पॉन्स करेगा, और लो मिड के लिए अगर आपने इस नॉब को 700 हर्ट्ज तक रखा हुआ है या फिर थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है तो वो ये जो 140 हर्ट्ज से लेके 700 हर्ट्ज तक वो रिस्पॉन्स करेगा, मतलब उतना ही फ्रिक्वेंसीज इसमें आउटपुट होंगी। और आपका जो हाई मिड और हाइज के लिए यहाँ पे ये वाला जो फ्रिक्वेंसी का जो नॉब है ये काम करेगा। अगर आपने इसको 700 हर्ट्ज तक सेट किया हुआ है और इस नॉब को 2.4 किलोहर्ट्ज तक सेट किया हुआ है
तो ये वाला जो हाई मिड है इसमें से सिर्फ 700 हर्ज से लेके 2.4 के मतलब 2.4 किलो हर्ज तक ये रिस्पॉन्स करेगा, यहाँ से उतना ही फ्रिक्वेंसीज आउटपुट होंगी। और आपका जो 2.4 किलो हर्ज से लेके बाकी जो हाईस्ट लेवल मतलब 20 किलो हर्ज तक जो भी रिस्पॉन्स होगा वो आपका हाइज में से आउटपुट होंगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसको किस तरह के सेटिंग में रखने से आपको कौन कौन से आउटपुट से किस तरह का फ्रिक्वेंसीज मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों इसका एक ट्रायल करके हम देख लेते हैं ये लो फ्रिक्वेंसी में कैसे आउटपुट करता है और लो मिड में कैसे और मिड हाई में कैसे और हाइज में कैसे। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों ये था DBX234 XS क्रॉसओवर का 4-way मोनो मोड सेटिंग। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से क्रॉसओवर को सेटिंग करना होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।